इस तरह के लकड़ को पोले निकालते हैं, यहाँ देख रहे हो, इसमें कभी जिंदगी भर बीमा नहीं बन पाएगा। काटते जाओ काटते जाओ, सर्दी के लिए इस तरह से लकड़ तैयार होता है, क्योंकि जिस टेने में बीमा नहीं बन रहा है उसे पहले ही क्लोज करें। जो भी हम खाद गोबर डालते हैं सारी ये लकड़ खाते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं आप, क्योंकि हम जो इस टेक्निक से प्रूनिंग कर रहे हैं, हम 2004 से इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। कुछ एक बागवान और प्रूनरों के बहुत ही घटिया कमेंट रहते हैं, यही पौधा सूख जाता है। 2004 से आज तक जिन जिन ग्रोवरों के बगीचे को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, कहीं से भी ऐसी सूखने की कंप्लेंट नहीं आई। उल्टी लोगों की फ्रूट क्वालिटी बढ़ी और साइज अच्छा आया। यहाँ देख पा रहे हैं आप, बीच वाली जो टहनी होती है उन्हें इस तरह से रिमूव करें, क्योंकि जब तक सूर्य की रोशनी पूरे पौधे में नहीं पड़ी तब तक आपकी फ्रूट क्वालिटी नहीं बन पाएगी। यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टहनी का झाड़ है। क्योंकि कुछ एक बागवानों का कहना रहता कि भाई हमारे पास प्लांट ज़्यादा है और सेब की जो फसल है बहुत कम निकलती है। जो आप पौधा देख रहे हैं इससे 15 पेटियाँ निकलती है, वो भी क्वालिटी फ्रूट वाली। यदि आप इस तरह से प्रूनिंग करते हैं साइज कलर बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ देख पा रहे हैं, चार से छः इंच के जितने कप लीटर्स होते हैं उन्हें फिर ना टॉप करें ना रिमूव करें, क्योंकि 50% फसल इसमें आती है। यदि आप इसमें टॉप मारते तो 4 गुना ज़्यादा मोटे होंगे अगले साल के लिए। फिर जब हम सर्दी में प्रूनिंग करते हैं तो इनको ही काटते रहते हैं हम। प्रूनिंग इस तरह से करें फलदार पेड़ में फसल भी आए और साइज भी आए, क्योंकि फसल तो आ जाती है, मेन मुर्दा साइज का है। साइज तो भी आप आएगा यदि हम बीमे को कम करते हैं।